सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। Hey guys, this is Manpreet और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग क्लास 10 आरएस अग्रवाल चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सर, राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही कि बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। पहले, टू मेन आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर। सर बोल रहे हैं एक टावर है सर, ठीक है सर, ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि फिगर ही तो अपना मेन है। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा सर, ठीक है। अब मेन सर टावर के ऑपोजिट साइड, इधर भी दो आदमी खड़े हैं, मतलब एक ही, एक आदमी इधर एक आदमी इधर, तो आदमी का साइज और टावर का साइज तो छोटा बड़ा होगा सर। ऐसा तो है नहीं कि बराबर बराबर बना देंगे, नहीं सर, तो आदमी का हाइट थोड़ा छोटा रख देते हैं, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे एक टावर है, उसके इधर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। हाँ, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज 30 degrees and 45 degrees। सर देखिए, द हाइट ऑफ द टावर इज इतना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। देखिए सर, जब आपको ये नहीं बोला हो कि हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन आदमी के सर से लेना है, तो हम हमेशा कहाँ से लेंगे, आदमी के पैर से लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब समझे, हाँ, कि अगर ये हमारा आदमी है और तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, उसके पैर से हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं जो कि हम लोग कहां से लेते थे, आदमी के सर से। तो वो कब लेते थे, जब उसमें लिखा होता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हेड ऑफ अ मैन टू द टावर इज गिवन बाय 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, जो भी दिया हो, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से लेंगे सर, ग्राउंड से लेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इधर का भी ले लेते हैं सर, इधर का भी किधर से लेंगे, ग्राउंड का। अब बोला है कि एक है 30 degrees, दूसरा है 45 degrees, तो सर किसी को भी 30 degrees लीजिए ना, चल कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी 45 degrees लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है क्या सर, है तो इधर उधर करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब मानते हैं कि बस हमको और कुछ नहीं दिया, हाँ और दिया कि 50 मीटर हाइट है ये जो टावर है सर, इसका जो हाइट है वो हमको दिया है 50 मीटर दिया है, ठीक है। अंदर जगह नहीं था इसलिए बाहर लिखा है, ऐसा मत सोचिएगा बाहर जरूरी है ना। तो देखिए सर, क्या हमको मानना क्या पड़ेगा सर, ए बी बी द टावर, हमारा ए बी क्या हो गया सर, टावर हो गया, ठीक है। हाँ, और ए बी सी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, ठीक है। बस और क्या करना है सर, इस क्वेश्चन में बन गया सर क्वेश्चन, ठीक है सर। देखिए कैसे बन गया सर, देखिए आपको ये दिया है थीटा के सामने वाला, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। इस ट्रायंगल में भी देखिए थीटा के सामने वाला यही तो गिवन है 50 मीटर, यही तो परपेंडिकुलर है ना सर। देखिए आपको क्या पूछा है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है सर, थीटा गिवन है, तो बेस कितना होगा हमसे वही तो पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, दोनों आदमी के बीच का, ये जो आदमी है सी, ये जो आदमी डी है, दोनों के आदमी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बस यही पूछा है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, जो टावर में लिखा उसको, टावर मतलब फिगर में बनाया उसको लिखना भी पड़ेगा। तो लेट ए बी बी द टावर, है ना सर, और टावर का हाइट हमको दिया है 50 मीटर, तो साथ में लिख देते हैं 50 मीटर्स, ठीक है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और बी सी डी, सी डी बी द डिस्टेंस जो कि हमको निकालना है, आप इसको एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हमको दिया नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब फ्रॉम फिगर देखिए, अब तो आपको अपने से भी समझ में आने लगा होगा कि फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल पहले ले सर, ए बी सी ले लेते हैं या ए बी डी भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए सर, अगर हम इस ट्राइंगल का बेस निकाल दें और इस ट्राइंगल का भी बेस निकाल दें, क्यों, क्योंकि थीटा और परपेंडिकुलर गिवन है, दोनों को प्लस कर दें, तो सी डी ही तो निकलेगा ना सर। हाँ सर, तो चलिए करते हैं। ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी में आपको थीटा क्या गिवन है, सी, है ना। जब भी परपेंडिकुलर गिवन होता है, बेस निकालने बोलता है, हम क्या लगा देते हैं सर, बताइए ना सर, टेन थीटा लगा देते हैं। हाँ सर, तो यहां देखिए टेन, थीटा क्या है, सी है, है ना, तो टेन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अपना क्या है सर, AB, बेस कितना है सर, BC, तो BC रख दिए, है ना। AB आपको गिवन है क्या, AB आपको गिवन है क्या, AB आपको गिवन है क्या, यस सर 50 मीटर गिवन है। BC आपको गिवन है क्या, नहीं सर निकालना है सर, क्या बात करते हैं आप भी, है ना। और C क्या गिवन है सर, C गिवन है 45 डिग्री, तो 10C इज इक्वल टू हो जाएगा 10 45 डिग्रीज,
कोई दिक्कत नहीं सर। अब 1045 का वैल्यू क्या आता है सर? 10 होता है साइन बाय कॉस, साइन और कॉस दोनों का वैल्यू सेम होता है 1045 पे, तो 1045 का वैल्यू हो जाएगा 1, क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू कट के 1 ही आएगा, है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर? बीसी हो जाएगा। अब ये बीसी इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, 1 से बीसी मल्टीप्लाई होगा, बताइए सर कितना होगा? जोर से बोलिए सर। क्या सर? जय माता दी। नहीं सर, बीसी इज इक्वल टू 50 मीटर आपका आ चुका है, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है वही इधर वाले ट्रायंगल का बेस आया सर आपका, ठीक है ना। हाँ सर, अब देखिए सर, ये आपका स्टेप 1 था। स्टेप 2, अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी। देखिए सर, कुछ गलती हुआ तो बताइएगा, ठीक है। हाँ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, वैसे भी आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। हाँ, देखिए सर, ए बी डी में क्या है कि 10 डिग्री दिया है हमको एंगल, है ना। तो 10 डी इज इक्वल टू, फिर से वही सर, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है सर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है सर? ए बी है सर। बेस कितना है सर? बी डी है सर। रखिए ना सर, क्या बहस करते हैं, है ना सर, बी डी रख दिया। अब ए बी क्या है सर? ए बी हमारा 50 मीटर है सर, तो 50 मीटर हो जाएगा, बी डी ही तो निकालना है, तो बी डी हो जाएगा। डी कितना गिवन है सर? डी गिवन है 30 डिग्री, तो 10 डी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, है ना सर। अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है सर? बताइए ना सर, आप लोगों ने वो एंगल वाली वीडियो तो देखी होंगी, उसमें हम लोगों ने जाना था कि कैसे याद रख सकते हैं इसको, है ना। हाँ, तो चलिए, 10 30 डिग्री का होता है 1/√3 सर, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा बी डी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां ऊपर भेज दीजिए, इसको यहां ऊपर भेज दीजिए, देयरफोर बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3। अच्छा, एक और चीज सर, एक और चीज आप देखिए, क्या देखिएगा सर? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या सर, कि रूट थ्री को आपको लेने बोला है 1.732 में, तो इसको यहाँ नहीं सॉल्व करके यहाँ सॉल्व कर देता है, ठीक है। जगह तो बहुत कम है सर, स्पेस का बहुत कम दुख है सर। अब देखिए, 50 BD = 50 √3 का वैल्यू 1.732। ये सर आप पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मुझे याद है 86.600 ऐसा कुछ आया था। तो सॉल्व करते हैं, 5 2 10 0 carry 1, 5 3 15 + 1 क्या होता है सर? 16 6 carry 1, 7 5 35 + 1 36, और कैरी कितना हो गया सर? 3, 5 1 5 + 3 8, कितने का 0 है, 0 तो लगा दीजिए, 1 2 3 1 2 3, देखिए सर आया ना 86.6 meter। सर मुझे याद था क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें 50 × 1.732 आया था, ठीक है। ये हमारा आ गया बी डी का वैल्यू सर। अब मैंने आपको बोला कि सर, अच्छा सर, मैंने ना आपको बीची दे दिया, बी डी दे दिया, तो छी डी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा क्या सर? निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। कैसे निकाल लेंगे देखिए, तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, या मैन लिखते हैं डायरेक्ट, है, डिस्टेंस बिटवीन मैन क्या हो जाएगा सर? क्या होगा सर डिस्टेंस? डिस्टेंस यही तो होगा, सी और डी, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको कि सी डी इज इक्वल टू क्या सर? बी डी प्लस बी सी, है ना। अब बी सी का वैल्यू क्या आया था सर? बी डी का पहले लिखते हैं 86.6 प्लस बी डी का क्या आया सर? 50 आया, ठीक है सर। दोनों को प्लस कर दीजिए सर, कैसे प्लस कीजिएगा वो भी देख लेते हैं सर। देखिए, हम लिख रखेंगे 86.6 को ऊपर, 50.0 के नीचे। हाँ सर, मैं तो हंसी आ रही है क्योंकि ये तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना। ये हो गया 6, ये हो गया क्या सर? बोलिए ना सर, ये हो गया 6, पॉइंट लगा दिए, है ना। अब 8 5 कितना होता है सर? 13 होता है सर। लिखिए ना, 136.6 meter आपका आंसर आ गया, है ना सर। हाँ सर, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं आगे।